जानो कहां से आया मैं हूं कौन मैं हूं पैर चलू रहता हूं हर खुले गंदे दूध में ओ या मेरा ठिकाना खुला गंदा दूध तो फिर खूब पिया जीवन के पियो माय नेम इज बैग जर्मू और मुझे बनाने वाले आ रहे हैं खुला दूध के धूम मचा दे धूम हाय 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 धूम मचा दे धूम खुले गंदे दूध की धूम धूम जो नहीं जानता वो जान ले और जो जानता है वो मुझे मान ले बेईमानी और लालच मेरा काम है बाला गवाला नाम है मेरा खुला दूध गंदा करना काम है मेरा पहले मैं लगाऊं भैंसों को केमिकल का इंजेक्शन फिर उस खुले दूध को गंदे हाथों से धोता हूँ और पानी भी मिलाता हूँ पैसे ज्यादा से ज्यादा सर जी ऐसे कैसे ना लगाए वो क्यों इसलिए कि आप अलादीन के जिन नहीं बाला गवाला हैं मत भूलो बैग जर्मू तुम्हें मैंने गंदे खुले दूध से बड़े लालच और धोखे से बनाया है ताकि तुम सिर्फ बातें ना बनाओ बल्कि इस स्कूल के बच्चों को खुले गंदे दूध से खूब बीमार कर जाओ यहाँ से 50-50 गज के फासले पर जब कोई बच्चा मेरे खुले गंदे दूध से बीमार होता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ तुमने क्या किया है अब तक गंदे दूध में क्या नहीं मिलाया वॉशिंग सोडा टेंटेंटें और डिफरेंट गंदी चीजें सभी कुछ तो फिर सर जी आपकी जेब में लाखों होंगे आज कल या परसों बाल गवाले यू यू हैव एनी रूल बाल गवाले यल्सी बैग पैसों से फुल भैंस के आगे गिटार बजाऊं और खुशी से गाऊं मैं यल्सी बैग पैसों से फुल इस स्कूल के सब बच्चों को बीमार करना है सीन शुरू किया जाए मैं जरूर सिर्फ इस स्कूल के बच्चे ही नहीं बल्कि मामा चाचा फूफा ताया दादा नाना और खासकर चमेली की नानी को फर्स्ट से लेकर छठी तक गंदी चीजों से मिला दूध याद दिलाना है और सब बच्चों को बीमार करना मेरा मकसद है बीमार समझ रहे हो ना आओ चले आओ He's alive.
आखिरी बहादुर भी आ ही गए। इन्हें बताऊंगे अब कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार है मुझे। वाले गवाले से लिया भैंस का खालिस दूध, जिसे मैं खूब देर तक उबालती हूँ। इस तरह दूध को उबालने से न्यूट्रिशन कम हो जाती है। इसी वजह से इस स्कूल में और इसके सामने मेडिकल स्टोर्स और हॉस्पिटल में बीमार ही बीमार बच्चे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से एग्जाम्स की तैयारी मुश्किल हो जाएगी। और हाँ खाला भी, इस स्कूल में मिल्कशेक पीने और खुले दूध से बनी चीजें पीने से इसका टेस्ट अजीब सा महसूस हुआ। मैंने बाले गवाले के गंदे दूध पे तजुर्बा किया और लेबोरेटरी टेस्ट भी किया। हाय हाय सादी बेटा, तो फिर कुछ पता चला? जल्दी से सादी बता दो खाला भी को साफ साफ। मेरे तजुर्बे और लैब की रिपोर्ट एक है। इस तरह दूध को उबालने से जरूरी न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं। इसीलिए खाला भी, आपका बेटा फिरोज आए दिन बीमार रहता है, इसीलिए स्कूल में उसके अच्छे ग्रेड्स भी नहीं आते और स्पोर्ट्स में भी पीछे रह गया। मिलावट शुदा दूध से कैल्शियम कैसे मिलेगा, जो जिस्म की हड्डियों के लिए जरूरी है? तोबा तोबा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये बताओ कि अगर बच्चों को दूध में गजाइत ना मिले तो क्या होगा? काला भी, सीधी सी समझने वाली बात है। अगर बच्चों को दूध की मुकम्मल गजाइत जैसे कि विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? इसको पीने से बच्चों की हड्डियां कमजोर और वो बीमार हो रहे हैं और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई में कमजोर और स्पोर्ट्स में भी पीछे। ये नया जमाना है खाला भी, कंप्यूटर और इंटरनेट के दौर में गवाले के गंदे खुले दूध को जो जाने किस गंदे बर्तन में होगा। करें टाटा टाटा, करें टाटा टाटा। चलो तुमने मेरी आंखें खोल दी। क्या करें बच्चों? खाला, आप सिर्फ ऑलपर्स मिल्क को अपना लें और ये उबला हुआ खुला दूध छोड़ दें। ऑलपर्स? ऑलपर्स मिल्क, नाम तो बड़ा सुना है, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? ऑलपर्स गजाइत से भरपूर दूध है। ऑलपर्स दूध को सेहतमंद गायें और भैंसों से साफ सुथरे माहौल में हासिल किया जाता है। तभी तो हम तीन बहादुर ऑलपर्स मिल्क पीने की वजह से जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब हैं और तीन बहादुर बने हैं। तो फिर ऑलपर्स मिल्क ही सब कुछ है। ऑलपर्स मिल्क को पहले स्पेशल प्रोसेस के जरिए करते हैं गरम, फिर इसे ठंडा करते हैं, ताकि इसमें शामिल न्यूट्रिशन और विटामिन से भरपूर सेहत बख्श अज्जा मुकम्मल सेफ रहें। तो तीन बहादुरों इस खुशी में हो जाए फिर। जाओगे तुम पे तुम, देखो खुले दूध में गंदगी है, इस खुले दूध में है जरासीम। चलो 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 चलो।
आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। वारे बच्चों, ठीक जगह आए हो। हमारी बैसे ऐसा ही दूध देती हैं। तो फिर सच बोल, पुल पर चल, गुल्ला दे नाना को आम दो। अजी, ये तो दूधा पैदा है। ये जो हमारे पास खुला गंदा दूध है। बच्चों, इसमें मिलावट गर्द है, मिट्टी है, गंध है, बर्तन में छमा किया जाता है। ये कौन बोला? जोगी बोला, सच बोला। बैजरमू और बाले कवाले, तुम सो रहे हो। गहरी नींद में जाओ, गहरी नींद में जाओ। अरे आमना, तुमने तो इन दोनों को हिप्नोटाइज कर दिया है। मैं मोबाइल से इनकी वीडियो बनाता हूँ। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती होगी। हाँ तो बैड जर्मू, तुम कौन हो? तुम्हें किसने बनाया है? तुम्हारा काम क्या है? मैं खुले दूध का मुद्रे से जर्म हूँ। मुझे बाले गवाले ने बड़ी चालाकी से बना बच्चों को। हाँ तो बाले गवाले, तुम बताओ, तुम इस खुले दूध के साथ क्या क्या करते रहे हो? मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मैं लालच में आके दूध में पानी, केमिकल और ना जाने क्या क्या गंदी चीजें मिलाकर दूध को गंदा करता रहा हूँ। यही नहीं, घर में सब ये खुला गंदा दूध उबालते हैं तो थोड़े बहुत न्यूट्रिशन भी खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से इस स्कूल के बच्चे और बड़े
इस गंदे दूध से आए दिन बीमार रहते हैं। तुम अपने मिलावट करने के जुर्म का इकरार करते हो? हाँ जी करता हूँ, जम जम करता हूँ। अब तुम गहरी नींद से वापस आओ, वापस पुलिस को ये सबूत भी देंगे। हाँ, अब इस स्कूल वाले ऑलपर्स मिल्क ही पिएंगे। ऑलपर्स मिल्क में है मुकम्मल गिजाइयत। इसमें स्पेशल प्रोसेस की वजह से हर किस्म के जर्म्स का खात्मा हो जाता है। अब आपको और सब बच्चों को मिले ऑलपर्स मिल्क के हर ग्लास में मुकम्मल गिजाइयत। तीन बहादुर जिंदाबाद, ऑलपर्स मिल्क जिंदाबाद, तीन बहादुर जिंदाबाद, ऑलपर्स मिल्क जिंदाबाद। पीछे वाली लड़कियां मुझे बहुत दूर दूर से देख रही हैं, तो लेट्स गो।
देगा जब तक तो here I come. So guys, are you ready at the back? मुझे तो आवाज बहुत कम आ रही है, लग रहा है आप लोग को शेक से मिले. Bed down.